फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी ज्योति एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर पर आप मसाजिंग क्रीम बना सकती हैं। जी हाँ, आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए कैसे घर पर बैठे एक मॉइस्चराइजर क्रीम बनाएंगी, जिससे आपके फेस को काफ़ी ग्लो मिलेगा। इनफैक्ट आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये मसाजिंग क्रीम बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस मसाजिंग क्रीम को बनाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन मेल के थ्रू आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये मसाजिंग क्रीम बनाना। तो फ्रेंड्स, इस मसाजिंग क्रीम के लिए हमें चाहिए कर्ड, हनी एंड लेमन जूस। ये मसाजिंग क्रीम बनाना बहुत ईजी है। इसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून कर्ड, इसमें मिक्स करेंगे 1 टीस्पून हनी और लेमन जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, आपकी मसाजिंग क्रीम रेडी है। आप चाहें तो इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मैजिकल इम्पैक्ट देखने के लिए इसे रेगुलर बेस पे अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे अपने फेस पे किस तरीके से अप्लाई करना है। आप इस तरीके से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से कर्ड, हनी और लेमन जूस की हेल्प से आप मसाजिंग क्रीम बना सकती हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जो इजीली आपके फ्रिज में अवेलेबल हैं, तो अभी जाइए अपने फ्रिज से ये तीनों चीज निकालिए और मसाजिंग क्रीम बनाइए और इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। आपको ये मसाजिंग क्रीम कैसी लगी और आपके फेस पर इसके क्या इफेक्ट रहे, प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट में शेयर कर सकती हैं, आप चाहे तो मुझे मेल कर सकती हैं। अगर आपके पास अपनी कोई होम रेमेडीज है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। और अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए होम रेमेडीज के साथ। हो सकता है वो होम रेमेडीज आप ही का हो, तो प्लीज मुझे अपने होम रेमेडीज भेजते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।